भाई यूनिट 7 बल्क पीस ऑफ मैटर। इस यूनिट के अंदर अलग अलग चैप्टर के हिसाब से तैयारी करोगे आप पीए के लिए। सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड, दूसरा फ्लूड स्टैटिक्स, फ्लूड एट रेस्ट पढ़ेंगे जिसमें, इसके बाद फ्लूड डायनामिक्स, उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ट्रांसफर ऑफ हीट एंड रेडिएशन। ठीक है जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेता हूँ मैं, सॉलिड चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें सॉलिड चैप्टर को डिस्कस करते समय आप क्या पढ़ेंगे, सॉलिड दो तरह के हैं, एक इलास्टिक दूसरा इनइलास्टिक। इलास्टिक वो नहीं होता जो खींचता है, बल्कि इलास्टिक वो होता है जो खींचने के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन में आ जाता है। जो एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए लगता है उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी के लिगामेंट्स एक फोर्स लगाते हैं अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करने के लिए। जो इंटरनल फोर्स बॉडी के डोमेन्स लगाएंगे उसे रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाएगा। रेस्टोरिंग फोर्स अगर डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर या उससे ज़्यादा है तब बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगी। समझ आ गया। मान लीजिए आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को आप खींच देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ, डिफॉर्मिंग फोर्स से वो यहाँ से यहाँ तक खींचा गया और उसकी ओरिजिनल लेंथ L1 थी, आपने उसे L थी ओरिजिनल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक L1 लेंथ आपने उसे खींच दिया डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके। डिफॉर्मिंग फोर्स जब आपने हटाया तब बॉडी के लिगामेंट्स उसे वापस ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन में लाने की कोशिश करेंगे, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो वापस इसे L1 को जीरो कर दे। अगर दोबारा से L1 जीरो हो गया मतलब ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में बॉडी आ गई, तो इस बॉडी को परफेक्ट इलास्टिक कहा जाएगा। प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी परफेक्ट इलास्टिक नहीं होती, तो वो अगर वापस भी आया तो थोड़ी बहुत वैल्यू रह जाएगी। समझ आ गया। जितनी कम ये वैल्यू होगी इंक्रीज्ड लेंथ, बॉडी उतनी ज्यादा इलास्टिक होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट? समझ आ गया। इसी चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है जो आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं या रेस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं अपॉन एरिया। वीडियो थोड़ा फास्ट इसलिए बनाऊंगा ताकि आप नोट्स में, तो आपके सारे नोट्स लिखे ही हुए हैं, पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, ताकि वीडियो को समझकर आप किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होंगे, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझ लें। सिर्फ वीडियो बनाने का आधार ही है। ठीक है जी, तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस है डिफॉर्मिंग फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस की असाइनमेंट होगी फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला जब आप कैलकुलेट करेंगे न्यूटन मतलब MLT की पावर -2, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो प्रेशर के बराबर स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला आया करता है, याद रखेंगे हमेशा। स्ट्रेस एक स्केलर क्वांटिटी है, समझ गया आप मेरी बात? क्यों, ध्यान से देखिएगा। अगर फोर्स आप वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स लेते हैं और सरफेस एलिमेंट लेते हैं आप वेक्टर फॉर्म में, छोटा सा सरफेस एरिया, तो वेक्टर अपॉन वेक्टर हमेशा स्केलर होता है, याद रखेंगे ये चीज। 100% समझ आ गया। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखिएगा, सेकेंड टर्म आती है यहाँ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, पहले देख लो। स्ट्रेस दो तरह की है मेनली, एक नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है किसी भी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया गया, जैसे किसी को खींचने के लिए, किसी को कंप्रेस करने के लिए हाइड्रोलिक, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कंप्रेसिव एक्सपेंसिव स्ट्रेस जो एक्सपेंड करती है, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, सभी तीन की तीन एक नॉर्मल स्ट्रेस का पार्ट होती है। और उसके बाद होती है शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होगा, अगर आपके पास एक बहुत मोटी सी बुक है उस पर आप टेंजेंटली फोर्स लगाते हैं तो इसे टेंजेंशनल स्ट्रेस कहेंगे, जो उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ देगा, या शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे। अब कभी भी बॉडी के ऊपर अगर स्ट्रेस लगाया जाता है तो उस बॉडी की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ तब्दीली जरूर होती है, जो तब्दीली होगी उसे आप स्ट्रेन कहेंगे। बॉडीज दो तरह की हैं, एक के अंदर होगा कुछ बदलाव और एक के अंदर बदलाव नहीं होगा। जिसके अंदर बदलाव हुआ वो एक नॉन रिजल्ट बॉडी है, और जिसके अंदर बदलाव नहीं हुआ वो एक रिजल्ट बॉडी है, जिसके अंदर बदलाव हुआ वो एक नॉन रिजल्ट बॉडी है। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, स्ट्रेन
चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ना तो कोई ऐसा यूनिट इसके, ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला, याद रखिएगा। ये भी तीन तरह का है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर क्या होगा, आप वायर की लेंथ एल मान लेते हैं और वायर पे आपने फोर्स लगाया, स्ट्रेस लगाया, उसकी लेंथ डेल्टा एल इंक्रीज हो गई, ओरिजिनल लेंथ एल थी, तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ सेट टू बी द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपके पास एक बैलून था, उसकी वॉल्यूम वी थी, आपने बैलून के अंदर हवा भरी तो वॉल्यूम बढ़ी और बैलून से हवा निकाल दी तो वॉल्यूम घटी, तो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम कंसीडर एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रखेंगे आप। अगर मैंने हवा भरी बैलून के अंदर तो वॉल्यूम बढ़ेगी, डेल्टा वी टेकन टू बी पॉजिटिव, अगर आप हवा निकालेंगे बैलून से तो वॉल्यूम घटेगी, टेकन टू बी नेगेटिव, याद रखेंगे हमेशा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसके बाद एक है जी शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब है मेरे पास एक बहुत मोटी सी बुक है और मैं टेंजेंशियली उसके ऊपर फोर्स लगाता हूं और उसकी लेंथ पहले एल थी और डेल्टा एल अपनी जगह से वो शिफ्ट कर गई इधर, तो जो शिफ्ट लेंथ होती है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसे आप शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। अगर आप इसे ट्विस्ट की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, मेरे पास एक कोई सिलेंडर है और मैंने उसे मोड़ दिया, ट्विस्ट कर दिया, तो ट्विस्ट की फॉर्म में आप इस तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे मान लीजिए एक सिलेंडर है आपके पास और उसे आपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से किसी थीटा एंगल, डेल्टा थीटा एंगल ट्विस्ट कर दिया, तो चेंज इन एंगल टू द ओरिजिनल एंगल, इसे कहेंगे आप शेयरिंग स्ट्रेन, याद रखेंगे, समझ आ गया, ठीक है। अब एक चीज याद रखें आप, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि आप जितना ज्यादा स्ट्रेन पैदा करते हैं रेस्टोरिंग स्ट्रेस उतना ही ज्यादा होता है, मतलब जितनी आप स्ट्रेन पैदा करेंगे दोबारा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए बॉडी को, उतनी ज्यादा स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ई को कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेस और एसआई यूनिट स्ट्रेस के बराबर होती है, याद रखेंगे हमेशा। अब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन तरह का होता है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है कि स्ट्रेन किस चीज किस तरह की पैदा हुई है, याद रखिएगा ये पेपर में आता है कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी किस पर निर्भर करता है, आप कहेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेन पर निर्भर करता है, स्ट्रेन किस प्रकार की पैदा हुई है। कुल मिलाकर के बात यह है कि ई की तीन औलाद है, एक को आप वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे कहेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी निकल कर के आया उस फॉर्मूले से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही वही होगा, कौन सा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहां से फॉर्मूला बनता है एफ इन टू एल ए डेल्टा एल, सीधी सी बात है, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा इंक्रीज लेंथ, जो जितना ज्यादा इंक्रीज लेंथ होगी जिसकी भी, जैसे कि रबर ज्यादा खिंचती है एज कंपेयर टू द स्टील, तो रबर कम इलास्टिक होती है, स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। आप एक चीज समझिए जरा, कोई भी मटेरियल उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा जितना उसका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होगा, तो अधिक इलास्टिसिटी के लिए वाई की वैल्यू अधिक होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जिसके डेल्टा ज्यादा होगी, इंक्रीज लेंथ ज्यादा होगी, वो कम इलास्टिक होगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, आप क्या कहेंगे, सीधी सी बात कहेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉपर, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, और इस तरीके से लिखेंगे सिंस डेल्टा एल आर इज ग्रेटर देन डेल्टा एस, तो वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर, साइड में लिख देंगे आप, इंक्रीज लेंथ ऑफ रबर, इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, कांसेप्ट क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब यहां से एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि एक परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के लिए वाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, एक परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए डेल्टा एल भी तो जीरो होगा, वो तो रिजिड है, वो तो चेंज ही नहीं हुई, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के लिए, एक परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के लिए डेल्टा एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो, वो तो खिंची नहीं, खिंची तो वापस आ गई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, तो डेल्टा एल जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफिनिटी, तो वाई की वैल्यू इनफाइनाइट होती है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के लिए, वाई की वैल्यू
इनफाइनाइट होती है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर, 100% समझ आ गया। दूसरी बात, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि लेंथ सिर्फ आप सॉलिड की खींच सकते हैं, ना तो आप किसकी खींच सकते, लिक्विड की, ना ही आप गैस की खींच सकते। तो सॉलिड लिक्विड गैस अगर तीन स्टेट ऑफ मैटर की बात करूं, वैसे पांच होती है, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन फर्मी डिराक, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड भी आपने केमिस्ट्री की 9th क्लास की लखवीर सिंह की बुक में पढ़ा था, ठीक है जी, उसका सही नाम है बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक। दो तरह की स्प्लिट हो जाते हैं वहां भी पार्टिकल्स, एक बोस आइंस्टाइन के अंदर पढ़े जाते हैं, दूसरे फर्मी डिराक पार्टिकल्स पढ़े जाते हैं, जिनकी हाफ स्पिन होती है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, उन्हें फर्मी डिराक पार्टिकल्स कहते हैं, जिनकी प्लस वन माइनस वन स्पिन होती है, उन्हें आप बोस आइंस्टाइन पार्टिकल्स कहते हैं। समझ गए, ये आप फ्यूचर में पढ़ेंगे कई बार। इसके बाद देखो जरा ध्यान से, इसके बाद चलते हैं जी हम, एक होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी, वो क्या होता है, किसी भी बॉडी के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहां से बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर बढ़ेगा, ए डेल्टा वी, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, जितनी ज्यादा बॉडी की वॉल्यूम चेंज होगी उतना वो कम इलास्टिक होगा, क्योंकि बी की वैल्यू उतनी कम होगी, तो वी मस्ट बी वेरी स्मॉल फॉर बेस्ट रिजल्ट बॉडी। याद रखिएगा, एक प्रश्न आ सकता है आपके पास, कौन सा मॉडल, कौन सा इलास्टिक कोफिशिएंट सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है, तो सॉलिड लिक्विड गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ बी एप्लीकेबल होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। क्यों जी? क्योंकि कंप्रेस में सॉलिड को फॉर्म को भी कर सकता हूं, गैस को भी कर सकता हूं, और वाटर को भी कर सकता हूं, दैट्स व्हाई बी कंसीडर फॉर द सॉलिड लिक्विड एज वेल एज फॉर द गैस। अब सवाल ये आता है जी, परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए डी की क्या वैल्यू होगी? परफेक्ट रिजिड बॉडी होगी जिस पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स का कोई इंपैक्ट ना पड़े, वो उसे कंप्रेस ना कर सके, तो उसके लिए डेल्टा बी जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफिनिटी, तो बी विल बी इनफाइनाइट फॉर द परफेक्ट रिजिड बॉडी। ठीक है, इसे थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए बी की वैल्यू इनफाइनाइट है और के की वैल्यू जीरो है। याद रखेंगे आप इस चीज को, परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए बी की वैल्यू इनफाइनाइट है और के की वैल्यू जीरो है। इसके बाद हम क्या बात करते हैं भाई, इसके बाद बात करते हैं हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये भी सिर्फ सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, कई बुक्स में से एटा से रिप्रेजेंट किया गया है, कई में जी से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये भी वही है जी, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, जो अभी पढ़ाया था। अगर आप एक चीज ध्यान दें कि कौन सी, आपके पास ये महत्वपूर्ण सवाल है कि एक होलो पाइप है आपके पास और एक सॉलिड पाइप है, दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? अगर दोनों सेम मास, सेम मटेरियल और सेम लेंथ के हैं, तो आंसर होता है जिसका होलो, सॉलिड नहीं। क्यों? क्योंकि होलो पर सारा का सारा मास उसकी एक्सिस पर कंसंट्रेटेड है, जिसे ट्विस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक ट्विस्ट के लिए फॉर्मूला होता है टॉर्क का, आर की पावर 4 अपॉन 2L इनटू एंगल ऑफ ट्विस्ट। आप इस फॉर्मूले से ये मान लो सॉलिड के लिए टॉर्क लगा, ये मान लो आप होलो के लिए क्या, होलो में क्या होता है, दो रेडियस होती है, आउटर और इनर, दोनों के लिए सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट मान लीजिएगा, आपस में कट जाएगा, 2L भी कट जाएगा, जब रेशियो निकाल लोगे पाई ईटा भी कट जाएगा। जब आप टॉर्क डैश अपॉन टॉर्क निकालेंगे तो इसे लिखेंगे इस तरीके से, और नीचे आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे इसे। फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर दो पाइप जिनकी लेंथ मटेरियल मतलब डेंसिटी और मास कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तब आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर के बराबर होती है। अब याद रखेंगे, साफ साफ नजर आया कि जब ये माइनस ये करके आया तो हेंसब्रूड ये टर्म इस टर्म से ज्यादा है, तो ये टर्म भी इस टर्म से ज्यादा है, तो होलो को ट्विस्ट करने के लिए ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज को तोड़ने के लिए ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट है वो चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई होलो पाइप इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द सॉलिड पाइप इफ बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम लेंथ एंड सेम मास। कांसेप्ट क्लियर 101%। वैसे तो पॉइजन रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
पॉइजन रेशियो मैंने आपको पढ़ा भी हुआ, लेकिन आपको फोर्स है, इसलिए इस टॉपिक में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पीए की बात करते हैं इस वीडियो में। पॉइजन रेशियो कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही बढ़िया, आपको पता होना चाहिए उसकी थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू कहां से कहां तक राइज करती है। मेनली मेडिकल नीड के, मेडिकल के कोई भी पेपर जिपर वगैरह, सीपीएमटी एबीएमटी जब कभी होता था, या नीड या फिर अब आईआईटी वगैरह, उसी से पूछता है कि इसके सब्जेक्ट मतलब थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होती है पॉइजन रेशियो। इसके बाद एक आता है आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए आपने एक वायर लिया और वायर पर मान लिया पहले जो फोर्स था वो जीरो था, और बाद में एफ फोर्स लगाया तो एवरेज फोर्स निकाल लिया मैंने एफ बाय टू, और इस फोर्स के कारण उसकी डेल्टा लेंथ इंक्रीज होगी। मुझे पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस स्प्रिंग या स्प्रिंग, या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रिंग या स्प्रिंग, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर होगा जो खींचने में वर्क लगेगा। तो जो एनर्जी होगी वही वर्क के बराबर है, और वर्क किसके बराबर होगा, एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, एफ बाय टू इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक तो यही होगा, अगर न्यूमेरिकल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है तो यही से रखा और आंसर आ गया। अगर टीचर पूरा प्रॉपर डेरिवेशन पूछते हैं तो डेल्टा एल के नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो पर भी एल से मल्टीप्लाई कर दो, टू को यहां लिख दियो, एफ के डिनोमिनेटर में ए लिख दीजिएगा, यहां भी ए लिख दीजिएगा, ये बन गई वॉल्यूम, ये बन गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये बन गया स्ट्रेस। तो यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू स्ट्रेस इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, U डैश मान लिया U अपॉन AL, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, मैंने पढ़ा था स्ट्रेस इज इक्वल टू E स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की जगह मैं Y स्ट्रेन लिखूंगा, Y स्ट्रेन क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता हुई यहां, E की जगह Y आ गया, एक स्ट्रेन पहले से था तो स्क्वायर हो गया, ये आंसर समझ आ गया। भाई सरस्वती विहार के लिए इंपॉर्टेंट है, डीपीएस में इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है, पाइन बोर्ड में तो मुश्किल ही देंगे सर, मेरे स्कूल में भी मुश्किल दूंगा, ऐसा इतना ऐसा सवाल मुश्किल देता हूँ मैं, याद रखिए ये बात, डीए वगैरह में आ जाता है सवाल, ठीक है जी। मैं सवाल पुटअप करता हूँ सोलिड में सारे ऐसे, जैसे कि ऐसी संभावना थी और हुआ ऐसा, तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है जी। आप सभी इंटेलिजेंट है, समझ गए होंगे किस तरीके से की बात की मैंने, जैसे कि वास्टिन इज मोर इलास्टिक देन रबर, सभी को पता है ये मैं नहीं हुआ दे सकता हूं। तो फिर मैं सभी पूछ सकता हूं, व्हाई डू वी प्रीफर कॉपर टू मेक वायर एंड स्टील टू मेक स्प्रिंग, तो आपको पता होना चाहिए कॉपर एक डक्टाइल मटेरियल है, डक्टिलिटी जिसकी ज्यादा होती है उसकी वायरिंग बनती है, और स्टील एक इलास्टिक मटेरियल है, इलास्टिसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसके स्प्रिंग बनेंगे, एंड डक्टिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, दैट्स व्हाई वी प्रीफर कॉपर टू मेक वायर एंड स्टील टू मेक। ऐसा सा क्वेश्चन नालंदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब सॉलिड के बाद हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोस्टेटिक्स की बात कर लेते हैं। देखो जी हाइड्रोस्टेटिक्स जिसमें फ्लूइड को आप रेस्ट पोजीशन में पढ़ेंगे, मेरा मानना है व्यक्तिगत मैं ये नहीं कहूंगा कि हर टीचर मेरे हिसाब से पेपर बनाएगा, ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन मैं बताऊं इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है। आपको पता होना चाहिए रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम है ड्यू टू द एनोमलस बिहेवियर, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जिसकी कोई भी असाइनमेंट कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। डेप्थ के साथ साथ लिक्विड के अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि शो दैट प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। आप कंसिडर कर लेंगे एक वाटर या कोई भी लिक्विड, और उस लिक्विड के अंदर ही उसी लिक्विड का बना हुआ एक सिलेंडर, उस लिक्विड के अंदर उसी लिक्विड का बना हुआ एक सिलेंडर, इमेजिन कर लेंगे, इमेजिन तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो तेरी कल कैटरीना कैफ से शादी होगी, देख कितना खुश हुआ सर, बस ऐसी सी चीजें दे दिया करो भाई, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा,
दिमाग लगाइए जरा ध्यान से। मैंने मान लिया सिलेंडर के ऊपर सिर्फ वाटर की एक लेयर और वही लेयर इसे इसके ऊपर नेगलिजिबल मास बनाती है। इस सिलेंडर को डेप्थ की तरफ लेकर पहुंच जाएगा इस सिलेंडर का वेट, ठीक है जी। वेट मतलब जो फोर्स यहां होगा। अब यहां फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स F1 मान लिया, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसे नीचे से ऊपर तक कौन लेके जाएगा, नीचे से ऊपर कौन निकालने की कोशिश करेगा इसे, तो वो किसके बराबर होगा, प्रेशर इनटू एरिया। इसके बराबर होगा प्रेशर इनटू एरिया। कॉन्सेप्ट क्लियर, 100% समझ आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे आप मेरी बात पर, एक चीज सुनेंगे भाई, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लेकर के जाएगा वो लेकर के जाएंगे दो फोर्स, एक तो इसका वेट, वेट और एक जो नेगलिजिबल लेयर फोर्स इसका है, जो लेयर पानी की इसकी सरफेस पर है। वेट किसके बराबर होगा, मास इनटू ग्रेविटी, और मास किसके बराबर होता है जी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ये दोनों फोर्सेस इसे नीचे लेकर आना चाहते हैं, ये फोर्स इसे बाहर निकालना चाहता है, तो अंडर द रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों इक्वेशंस को आप बराबर रखेंगे। एक उमल ले लिया आपने P1 प्लस रो एल जी, कई बुक्स में आप L को H के बराबर मानते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर मैंने लेंथ मान लिया, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, तो P1 प्लस रो जी एच, ठीक है जी। तो हेंस प्रूव्ड डाउनवर्ड, जैसे जैसे आप चलते हैं वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है फ्लूइड का, समझ गए आप मेरी बात, 100% समझ गए। डेप्थ पे प्रेशर बढ़ जाता है, P2 इज ग्रेटर देन P1, समझ आ गया। इसे गेज गेज प्रेशर भी कहते हैं, जो डिफरेंस है दोनों के बीच, ठीक है। एक दिमाग सर पूछ सकते हैं पॉइंट बढ़ने से। इसके बाद इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्या चीज है, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है भाई, अंडर द रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम अगर मैं ग्रेविटी के इफेक्ट को नेगलिजिबल मान लूं तो प्रेशर फ्लूड का रेस्ट पोजीशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मींस अगर यहां ए एरिया है, एफ फोर्स लगा तो प्रेशर पी रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। अगर यहां एरिया ए बाय टू है तो फोर्स भी एफ बाय टू लगेगा ताकि प्रेशर पूरा पी रहे। अगर यहां एरिया फ्लूड ए की, इसके अंदर ए की लिक्विड है, समझ गए ना आप मेरी बात, और यहां पिस्टन लगाई गई है तो इस पिस्टन पर बाहरी तरफ प्रेशर लगता है, ये पिस्टन है यहां तो बाहरी तरफ प्रेशर लगता है। अगर यहां का एरिया 3a कंसीडर किया जाए तो फोर्स को भी 3a लगना पड़ेगा, तब जाकर के प्रेशर कांस्टेंट होगा। कांसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अंडर द रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एक इनकंप्रेसिबल लिक्विड अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को नेगलिजिबल कर दूं, इक्वल एरिया पर इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है, समझ आ गया, 100% समझ आ गया, ठीक है जी। मतलब जितना एरिया बढ़ेगा उतना वहां फोर्स बढ़ जाता है ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसी की एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से काम करते हैं, नोट्स में से पढ़ लेंगे। इसमें एक सिलेंडर बहुत ही नैरो होता है जिसपे एक पिस्टन लगी है, फिर एक मास्टर सिलेंडर से एक वाइड सिलेंडर कनेक्ट होता है जिसमें एक पिस्टन लगी है। अगर इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है तो सीधी सी बात है, अगर इधर प्रेशर P लगाऊं तो सेम प्रेशर ऊपर जाएगा, इधर एरिया बढ़ेगा, एरिया 100 टाइम बढ़ेगा तो इधर फोर्स को भी 100 टाइम बढ़ना पड़ेगा, समझ आ गया, समझ आ गया। तो एज प्रूव्ड अगर इधर आप 1 न्यूटन फोर्स रखते हैं तो इधर से ऊपर 100 न्यूटन ऊपर चला जाएगा। इसे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया नोट्स, ऐसे आप हाइड्रोलिक ब्रेक भी पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चले आप, सरफेस टेंशन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो 101% हर स्कूल के टीचर देंगे इस चैप्टर में। सरफेस टेंशन एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसके तहत कोई भी मटेरियल अपनी एक्सटर्नल मोस्ट लेयर का एरिया मिनिमम किसी दूसरी बॉडी से शेयर करना चाहता है, जिसके कारण वाटर ड्रॉप स्फेरिकल होती है। आप हाथ को, हाथ में मिट्टी को उठाइएगा, जब आप जमीन पर डालेंगे तो कुछ मिट्टी के कण जमीन पर गिर जाएंगे, उसके बाद सारे कण मिट्टी के कणों के ऊपर आएंगे ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में क्या है, अगर एक बबल को आप खींचते हैं तो बबल की लेयर रखने से पहले उसकी लेंथ खींचती है,
तो फोर्स अपॉन लेंथ दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, इसकी एसआई यूनिट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ता है और कितना पड़ता है वो समझिए जरा ध्यान से। दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ द टेम्परेचर। आप कहेंगे सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन कम होती है, सरफेस टेंशन कम होती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के और डर्ट के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच जो एडिसिव फोर्स है वो भी कमजोर पड़ जाता है। सीधी सी बात है, कपड़ों को धुलना ठंडे पानी में थोड़ा मुश्किल है और गर्म पानी में आसान है। टेम्परेचर ज्यादा हुआ पानी का, उसने डर्ट और कपड़े के बीच के एडिसिव फोर्स को कमजोर कर दिया, सरफेस टेंशन कमजोर होगी और डर्ट आसानी से बाहर निकल गया। समझ आ गया? आप कहेंगे पानी जब गर्म होता है तो गर्म पानी में क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाती है। सरफेस टेंशन कमजोर पड़ते ही एडिसिव फोर्स डर्ट और कपड़े के बीच का कमजोर पड़ जाता है, जिससे क्लीनिंग एक्शन बढ़ जाता है। समझ आ गया? सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का तो इंपैक्ट पड़ता ही है, साथ साथ पर एडिड इंप्योरिटी का भी पड़ता है। मैंने सर्फ डिटर्जेंट घोल दिया पानी के अंदर, वो क्या करता है, सरफेस टेंशन को पानी की और भी कम कर देता है। पानी की सरफेस टेंशन और भी कम होगी तो कपड़े जल्दी धुल गए, क्योंकि सरफेस टेंशन कम, एडिसिव फोर्स डर्ट और कपड़े के बीच कम, और क्लीनिंग एक्शन फास्ट। तो याद रखिएगा, ठंडे पानी में सबसे ज्यादा समय लगेगा कपड़े साफ होने में, गर्म पानी जल्दी धो देगा, और उस गर्म पानी के अंदर ही सर्फ ऐड कर दिया तो और भी जल्दी धो देगा। समझ आ गया? अब इसमें एक तो एक काम हो गया सरफेस टेंशन का। अब इस सरफेस टेंशन का काम शुरू किस तरीके से होगा जरा वो समझिएगा ध्यान से। सरफेस टेंशन कम होते ही पानी बिल्कुल स्फेरिकल शेल के स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है। पानी गर्म होते ही और उसके अंदर डिटर्जेंट ऐड होते ही जो पानी की लेयर है वह स्फीयर बन जाती है और कपड़े के रेशे के अंदर घुस जाती है। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्लीनिंग एक्शन बढ़ जाता है। समझ आ गया 100%? ठीक है जी। सरफेस टेंशन कितनी होगी किसी भी लिक्विड के क्रिटिकल टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट? आप कहेंगे सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगी। What will be the surface tension at a critical point or at a boiling point? It will be zero. एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, यहाँ क्या ट्रिपल पॉइंट वाटर के लिए क्या होता है? सबसे पहले समझिएगा ट्रिपल पॉइंट होता क्या। ट्रिपल पॉइंट वो होता है जहाँ तीन की तीन स्टेट किसी एक टेम्परेचर पर लाइज कर लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि उसी टेम्परेचर पर वहाँ भाप भी है, उसी टेम्परेचर पर वहाँ पानी भी है, उसी टेम्परेचर पर वहाँ सॉलिड भी है? कभी कोई ऐसा देखा कोई स्टेट आपने? मैंने देखी। जब आइसक्रीम हाथ में आती है तो उस टाइप का आइसक्रीम से हवा भी उड़ती है, वह टपकती भी है और सॉलिड फॉर्म में भी है। तो मतलब कि बिल्कुल जीरो डिग्री के आसपास ही 273.16 केल्विन इज द ट्रिपल पॉइंट फॉर द वाटर। याद रखिएगा मेरे साथ, ठीक है जी। 273.16 इज द ट्रिपल पॉइंट फॉर द वाटर, याद रखेंगे आप, याद रहेगा। अब सरफेस टेंशन से रिलेटेड तीन डेरिवेशन मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं, चार आपके नोट्स में है, आप खुद करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा, इससे वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा। एक एक्सिस प्रेशर ऑफ सोप बबल या तो वाटर बबल, ये आएगा किसी ना किसी स्कूल। अगर ये ना दिया टीचर ने सरफेस एनर्जी, इन दो में से एक देखते हैं सब, ठीक है। तीसरे नंबर पर इंटरफेस रेडियस, ये निकालने का तरीका बहुत ही बढ़िया बताया था मैंने। इंटरफेस रेडियस का मतलब है छोटा बबल बड़े बबल के अंदर किस दूरी तक घुसता है, उसके सेंटर से लेकर उस दूरी तक की रेडियस। इसमें छोटे वाले बबल के प्रेशर से बड़े वाले बबल के प्रेशर को माइनस कर दीजिएगा। छोटे वाले बबल का प्रेशर 4s/r1 -4s/r2, r2 ग्रेटर देन r1 आया तो प्रेशर छोटे वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सिस प्रेशर का डेरिवेशन करते ही सोप बबल के लिए आपके पास ये आंसर आएगा और वाटर बबल के लिए आपके पास ये आंसर आएगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है। अब इसे निकाल लेंगे 4s/r, यहां से इस r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक आपके पास ये पूछा जा सकता है, अगर मेरे पास दो बबल है, एक की रेडियस r1 दूसरे की रेडियस r2 है और दोनों सेम मटेरियल के बने हैं जिनकी सरफेस टेंशन s है और दोनों आपस में मिल गए, नया बबल बन गया, तो जो नया बबल बना उसकी रेडियस कितनी होगी? तो आपके पास आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान सा, r = √r1² + r2² डेरिवेशन जब आप करेंगे।
फॉर्मूला लगा दीजिएगा पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू इज इक्वल टू पी। पहले एक बबल की भी जो प्रेशर पी वन था वॉल्यूम वी वन थी, दूसरे का प्रेशर पी टू था वॉल्यूम वी टू थी, ये दोनों की मल्टीप्लाई करी, दोनों की मल्टीप्लाई करी, ऐड करके नया बबल का प्रेशर पी हो गया, नई वॉल्यूम ये होगी, आंसर निकाल दिया। ठीक है जी, अब इसके बाद चलते हैं जी आगे, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? अगर एक कोई भी लिक्विड ड्रॉप किसी सॉलिड के ऊपर रखी है, एक लिक्विड ड्रॉप किसी सॉलिड के ऊपर रखी है जी, तो जो टेंजेंट के साथ ये एंगल बनेगा इसे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहेंगे। किस चीज पर डिपेंड करता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये इंक्लाइनेशन पर डिपेंड नहीं करता। अगर मार्कर के ऊपर मर्करी के ड्रॉप यहां रखे और मार्कर मैंने इतना इंक्लाइन कर दिया, तब भी एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट उतना ही रहेगा। पहली बात ये कभी भी इंक्लाइनेशन पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात यह टेम्परेचर पर वास्तविक तौर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो स्फेरिकल फॉर्म में पानी आ जाता है, तो मतलब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाता है। ये इंप्योरिटी पर भी डिपेंड करता है। ये उस सरफेस टेंशन पर भी डिपेंड करता है जो सरफेस टेंशन बाहर की है और उस लिक्विड के बीच है। ये उस पर भी डिपेंड करता है किस सरफेस के ऊपर ये पड़ा है, और ये नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ड्रॉप पर भी डिपेंड करता है। याद रखेंगे सारे नोट्स पर लिखवाए, ठीक है जी, सब याद रखेंगे। बस याद रखिएगा महत्वपूर्ण सवाल जो कॉम्पिटिशन में आ सकता है इसका, या फिर आपके यहाँ स्कूल में एमसीक्यू में आ सकता है, अगर ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है तो लिक्विड ड्रॉप की फॉर्म में रहता है और जिस सरफेस के ऊपर होता है उसे गीली नहीं करता। ऑब्ट्यूज एंगल तो लिक्विड ड्रॉप की फॉर्म में है और जिस सरफेस के ऊपर है उसे गीला नहीं करेगा। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल है, तब लिक्विड फ्लैट हो जाएगा और जिस सरफेस के ऊपर है उसे गीला कर देगा। ये पॉइंट बहुत याद रखिएगा, खासतौर पर अच्छे स्कूल्स के लिए जहां टीचर को कम से कम 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, वहां कुछ ऐसा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट या सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, इसके बाद हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं। जब भी आप आज बैठोगे, कल इसका टेस्ट होगा आप लोगों का। जब आप पढ़ने के लिए आज बैठे, कम से कम आपके 50-60 पेज नोटबुक के बाद रफ नोटबुक के जब प्रैक्टिस करो, और वीडियो कान में लगा करके ईयरफोन, तब सुनिएगा आराम से क्या बात बोलते हैं। और जिस बात को भी मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्कूल से आप, ज्यादातर सभी स्कूल के बच्चे बैठे हैं, ठीक है जी, आप कम से कम उस टॉपिक को 3-4 बार पढ़ लेंगे, ठीक है, आगे समझ। अब इसके बाद हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल उठता है, वो पहले तो बच्चे को यही नहीं पता विस्कोसिटी और विस्कोसिटी कोफिशिएंट के अंदर क्या अंतर है। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है कि लिक्विड लेयर की फॉर्म में चलेगा, इसकी स्टार्टिंग ही विस्कोसिटी से स्टार्ट है। विस्कोसिटी एक ऐसी टेंडेंसी है लिक्विड की, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके तहत वो लेयर्स की फॉर्म में चलता है और दो लेयर के बीच एक विस्कस फोर्स लगता है, जिसके कारण अपर लेयर की रफ्तार ज्यादा होती है और वो नीचे की लेयर को पीछे खींचते फेंक करके खुद आगे बढ़ जाती है। समझ गए मेरी बात? अब इसी का एक कोफिशिएंट निकल कर के आया, जिससे हम क्या करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। इसके असाइनमेंट पूछते हैं टीचर्स, इसकी असाइनमेंट पॉइज़ले है या पास्कल इनटू सेकंड है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आप याद रखते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी नेचर ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करती है, और जो विस्कस फोर्स है थोड़ा उसे डिस्कस कर लो। कोई भी टीचर एक छोटा सा सवाल दे सकता है कि विस्कस फोर्स और सॉलिड फ्रिक्शन फोर्स क्या, दोनों के बीच क्या अंतर है? समानता तो यह है कि दोनों रेजिस्टेंस फोर्स है, और डिफरेंस यह है फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड एट द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एंड विस्कस फोर्स डिपेंड एट द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू लेयर्स। याद रखेंगे जितना लिक्विड गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, समझ रहे हैं मेरी बात, उसका फ्लो उतना ही कम होगा। और आइडल लिक्विड की पहचान यह है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो ना तो विस्कस होगा और ना कंप्रेसिबल होगा। जो विस्कस होते हैं वे थोड़े कम कंप्रेस होते हैं, और जो कंप्रेस हो जाते हैं वो नॉन विस्कस। वाटर एक नॉन विस्कस है, वो कंप्रेस हो जाता है। ग्रीस थोड़ा कम कंप्रेस होता है लेकिन वो विस्कस है, दैट्स व्हाई आइडल लिक्विड इज नॉट पॉसिबल। समझ आ गया जी, 100% समझ आ गया। अब वाटर को थोड़ा सा, मतलब किसी भी से लिक्विड को थोड़ा डीपली समझ लेते हैं।
फ्लो। फ्लो तीन तरह के हैं, एक स्ट्रीम लाइन, जैसे कि ट्यूब में को पानी चलता है जी, टैप से कनेक्ट कर दिया आपने ट्यूब और सभी लेयर की रफ्तार बराबर होती है तो इसे क्या कहते हैं आप, स्ट्रीम लाइन फ्लो। जैसे कि नदी के अंदर बीच में पानी तेज चलता है और बराबर में किनारों पर कम रफ्तार हो जाती है, इसे कहते हैं लेमिनर फ्लो। और कहीं गड्ढा आ गया या पिलर आ गया वहां पानी घूमने लग जाता है, इसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। वजह क्या है टर्बुलेंट फ्लो की, आप कभी भी ध्यान देंगे किसी भी नदी किसी भी नाले से जब भी पानी चलता है तो वो अपनी मैक्सिमम रफ्तार पर चलता है, जो उसकी मैक्सिमम रफ्तार है कि इस रफ्तार वो होती है डायमीटर के हिसाब से और गहराई के डेप्थ के और डायमीटर के हिसाब से, समझ रहे हैं आप मेरी बात। मान लीजिए किसी नदी से पानी निकलते समय 10 मीटर पर सेकंड की मैक्सिमम रफ्तार थी और 10.1 हो गया तो एकदम उसके पार्टिकल्स के बीच डिसऑर्डरनेस आ जाएगी, वो अपनी सही डायरेक्शन भूल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तो अपनी मैक्सिमम रफ्तार में दौड़ रहा था, मैक्सिमम रफ्तार जो भी थी और पीछे से मैं बाइक पर मैंने तेरा चांटा कस दिया बढ़िया सा, तेरे पैर लड़खड़ाए, तो सेम हुआ लिक्विड के साथ। लिक्विड अपनी मैक्सिमम रफ्तार पर था, बीच में गड्ढा आ गया, गड्ढे ने उसे सेंट्रीपेटल फोर्स लगा दिया। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला यह है, उसे सेंट्रीपेटल वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी मिलने के कारण उसकी वेलोसिटी के अंदर एक और वेलोसिटी ऐड होगी, जब वेलोसिटी ऐड होगी तो उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर चली गई, जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर चली गई तो भाई साहब डिसऑर्डरनेस आनी आनी है, तो पानी घूमना स्टार्ट होगा। ये वजह थी टर्बुलेंट फ्लो की। एक रिनोल्ड नंबर डिजिटल सिस्टम है लिक्विड के अंदर, अगर उसकी वैल्यू 0 से 2000 तक आई तो मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो है, 2000 से 3000 तक आई तो लेमिनर फ्लो है और 3000 से ऊपर चली गई तो मतलब टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है जी, कई बुक्स में 2500-2800 के आसपास में टर्बुलेंट फ्लो दिखा रखा है, कई में 1500 के आसपास तक ही स्ट्रीमलाइन दिखाया, 1500 से लेकर 2500 तक की लेमिनर फ्लो दिखा दिया गया, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और रिनोल्ड नंबर की कोई असाइनमेंट कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, एक प्योर न्यूमेरिकल नंबर होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ड्राइव कराया गया। ठीक है, एक इसके बाद स्टोक लॉ आएगा पेपरों में। स्टोक लॉ क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू 6.5 के बराबर होती है। तो स्टोक लॉ को आप डायमेंशनली प्रूफ करेंगे और फिर पॉइज़ले फॉर्मूला। पॉइज़ले फॉर्मूला कहता है कि अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है थ्रू आउट द लेंथ और उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन भी सेम है, ऐसा नहीं कहीं से ऊंची कहीं से नीची है, ठीक है जी, उसके अंदर अगर एक नॉन विस्कस लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में, नॉन विस्कस स्ट्रीमलाइन फ्लो में, तब इसके अंदर जो वॉल्यूम रेट होगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम किसी भी लिक्विड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, आर की पावर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी कोएफिशिएंट एंड लेंथ के बराबर होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद पाई बाय 8 आ जाएगा, इसे वो डायमेंशनली पूछ सकते हैं सभी स्कूल के टीचर्स, क्योंकि डायमेंशनली पूरे के पूरे सिलेबस है, या तो आपसे पूछा जाएगा ये, या पूछा जाएगा स्टॉक्स या रिकॉर्ड नंबर, चलता और कुछ नहीं पूछने का कोई। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लग रही है, बर्नौली थ्योरम और टर्मिनल वेलोसिटी, इन दो डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन सभी स्कूल्स में आने के पूरे पूरे चांस है। बर्नौली थ्योरम का प्रिंसिपल ही क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और बर्नौली थ्योरम प्रिंसिपल है लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन का। एरोप्लेन के विंग्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर तेज हो जाए प्रेशर घट जाएगा और नीचे स्पीड थोड़ी कम हो जाए और प्रेशर बढ़ जाए और वो लिफ्ट कर जाए ऊपर। एरोप्लेन को उड़ाने के लिए किसी फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं, उड़ाकर चलाने के लिए और एक बार चलाने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, समझ गया आप मेरी बात 100%। बर्नौली थ्योरम का ड्रॉबैक भी है भाई, वो लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में बात नहीं करती, वो कहती है कि मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट द फ्लो कॉन्स्टेंट रहेगी पर यूनिट मास, लेकिन जब पानी चलता है तो उसकी एक आवाज होती है, मतलब कि पानी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ है इक्वल टू एमसी स्क्वायर, और मास एनर्जी के अंदर कन्वर्टेशन का कोई जिक्र नहीं है पूरी बर्नौली थ्योरम के अंदर, ये उसका ड्रॉबैक है। बर्नौली थ्योरम का पूरा डेरिवेशन अच्छे से करेंगे आप। इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, उसका डेरिवेशन समझ लीजिए किस तरीके से करोगे। मैंने मान लिया एक लिक्विड है, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो डेप्थ की तरफ को चलते हुए होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो आप सबसे पहला सोच लो इसकी डेंसिटी रो है, इसका वेट डाउनवर्ड गया,
वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये डाउनवर्ड। अभी सब बाहर निकालने के लिए कौन कौन कोशिश कर रहा, एक तो बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा, और कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, जितनी वॉल्यूम इसकी होगी। लिक्विड का मैं वेट मान लिया W डैश, तो मास इनटू G, और मास लिक्विड की मैंने डेंसिटी मान ली सिग्मा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यह पड़ लगेगा, एक विस्कस फोर्स पड़ लगेगा 6 पाई आर। अंडर इक्विलिब्रियम इसके बराबर, इन दोनों को ऐड करके रख दो, जब मेरे पास 6 पाई आर ईटा वी प्लस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी आएगा, ये रख दिया मैंने रो 4/3 पाई आर क्यूब जी के बराबर, क्या वी नहीं निकाल सकते आप, आसानी से निकाल लेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। सवाल महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है कि दो बोल है, दोनों सेम लिक्विड, सेम विस्कोसिटी के लिक्विड के अंदर डाली जाती है, एक की रेडियस आर दूसरी की 2r है, तो उनके टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो क्या होगी, तो 1:4 होगी, क्योंकि जिसकी 2r है 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऐसा सवाल महत्वपूर्ण है, याद रखें। बर्नौली थ्योरम भी समझ आ गई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थोड़ी सी पढ़ ली। अब इसके बाद बताओ, इसी वीडियो में ट्रांसफर ऑफ हीट, थर्मल कंडक्शन, मैं तो पढ़ा सकूं 2 घंटे भी खड़ा खड़ा, एक बार देख लो अभी इतना पढ़ा, इतना वीडियो पॉज कर लेते हैं, ठीक है।